लेकिन इनका 24 डिग्री है तो इसमें इनको फेल कर देगा, ऐसे ऐसे जीडी में इनको फेल कर देगा। ये एक हाथ का हो गया। दूसरा कॉम्प्यूटर्स वल्गर डिफॉर्मिटी का केस है, इसमें क्या होता है कि उन्हीं की हड्डी सड़क जाती है, दोनों हाथ दिखाई देते हैं। कितना डिग्री है? क्लोज कीजिए, क्लोज एकदम इसका क्लोज कीजिए। देखिए इसका 23 डिग्री 24 डिग्री इसका दिखा रहा है, ठीक ना। तो यूपी हो चाहे एमपी हो, उत्तर प्रदेश, झारखंड, सारे जगह से आ रहे हैं। अगर आपको भी आना है और ऑपरेटर बनाना है तो आप। हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, जो भी डिफेंस लाइन का तैयारी करते हो, चाहे अग्निवीर हो गया या फिर कोई भी, या SSC JD, अभी फिलहाल SSC JD का भी रनिंग होने वाला है, तो ये SSC JD का कैंडिडेट है और अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं। तो मेनली इसमें हम आप वीडियो में आपको बताएंगे कैरी एंगल कैसे चेक किया जाता है, कितना डिग्री तक कैरी एंगल लिया जाता है। इसमें हम कैरी एंगल के बारे में बताएंगे कि कितना डिग्री तक वहाँ लिया जाता है कैरी एंगल, अगर आपको कैरी एंगल में प्रॉब्लम है तो उसको ठीक कैसे करना है, इसके बारे में वीडियो में बात करेंगे। तो फिलहाल हम इनका कैरी एंगल चेक करते हैं। कैरी एंगल चेक करने के लिए इस प्रकार से स्केल रहता है जिससे हाथ का एंगल पता लगता है। तो फिलहाल देखिए, हम इस प्रकार से वहाँ पास कैरी एंगल चेक किया जाएगा ऐसे सीधा करके। तो जब सीधा करता तो देखिए इनका हाथ यहाँ से टेढ़ा है, ये हाथ मतलब बहुत ज़्यादा केड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब 20 डिग्री के एंगल से कम ही होना चाहिए, 20 डिग्री से कम होना चाहिए। जैसे इनका देख लीजिए, इनका भी लगभग ठीक है, उतना ज़्यादा टेढ़ा नहीं है, ठीक है। तो हम इनको स्केल से नाप करके बताएंगे। अभी फिलहाल इन लोग रनिंग कर लिए हैं क्योंकि फिजिकल होने वाला है SSC JD का, तो अभी रनिंग करके हैं तो पूरा पसीना से भींगे हुए हैं। तो अब इनका हम स्केल से चेक करके बताते हैं कि कितना डिग्री एंगल बन रहा है। तो दोस्तों देखिए, ये है कि ये पूरा सीधा यहाँ होना चाहिए, उसको बाद बीच में यहाँ पास रखाएगा, उसको बाद ई हाथ के बीच सीधा रखाएगा। तो देखिए दोस्तों, इनका जो एंगल बन रहा है लगभग 24 डिग्री के आसपास एंगल बन रहा है। तो SSC JD में आपको 24 डिग्री तक एक्सेप्ट नहीं होता, उसमें रहता 10 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री के बीच में लेता है SSC JD में, लेकिन इनका 24 डिग्री है तो इसमें इनको फेल कर देगा, SSC JD में इनको फेल कर देगा। ये एक हाथ का हो गया। दूसरा हाथ के नाम आपको बताते हैं, दूसरा हाथ भी लगभग 19 डिग्री है। देखिए ऊपर में 160 नहीं देखिए, ये 20 है, 20 से थोड़ा सा बगल में 19 डिग्री इनका पड़ता है। तो एक हाथ में पड़ रहा है इनका, एक हाथ का जो एंगल बन रहा है वो 24 डिग्री बन रहा है, एक हाथ का बन रहा है एंगल 19 डिग्री। और इनका चेक करते हैं, इनका लगभग 13 डिग्री के आसपास आ रहा है। तो 13 डिग्री एक्सेप्ट है, अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं तो अग्निवीर में मतलब 15 डिग्री तक लेता है, 10 से 15 के बीच में। ये लगभग 15 है, ये 15 डिग्री है, 14 डिग्री के आसपास में है, 15 से थोड़ा सा मतलब कम है, और 14 मतलब 14 डिग्री मान लीजिए। तो इनका है इस वजह कैरी एंगल में फिट है, लेकिन इनको कैरी एंगल में दिक्कत करेगा, कैरी एंगल में इनको रिजेक्ट कर देगा। अगर दोस्तों आप लोग के भी इस प्रकार से कैरी एंगल है जिनका 20 डिग्री से ज़्यादा या तो फिर 10 डिग्री से कम, क्योंकि कैरी एंगल 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए SSC JD वालों के लिए और 10 से कम भी नहीं होना चाहिए। अगर आपका 20 डिग्री से ज़्यादा है या फिर 10 डिग्री से कम है तो आप कैसे ठीक कर पाएंगे, क्योंकि YouTube पर बहुत सारा एक्सरसाइज भरा हुआ है, एक्सरसाइज से इतना जल्दी ठीक नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपका 24 डिग्री है, 4-4 डिग्री आपको कम करना है तो आप कैसे कम कर पाइएगा, तो उसके लिए आप हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, मतलब एक वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें कैरी एंगल का बेल्ट आता है, उसके बारे में आपको वीडियो दिखा रहे हैं। पहले आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बताते हैं। ये मोटामोटी 22 के आसपास है, तो ये एंगल 20 प्लस है। ये भाई साहब भी कोलकाता से आए हैं, इनका भी 25 के आसपास है। ये दिखाइए, ये भी कोलकाता के आसपास ही है। ये भाई साहब का देख लीजिए, यूपी से आए हैं, यूपी सुपन जिला से, मेरठ से आए हैं, इनका भी वही हाल है, बलगंज की पूर्वी में है। ये सब गारंटी ठीक हो जाता है 45 डेज में, अंडर 45 और 45 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा। भाई यार इसका फिटनेस वायरस का प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर ये एंगल इस तरफ निकला है तो इसे क्यूबिटस बल्गस करते हैं, और ये अगर इसके अपोजिट साइड निकला है तो उसे क्यूबिटस वायरस करते हैं। भाई से भाई आया है, नाप पे दिखाते हैं, ये गेनियोमीटर, इससे एंगल नापा जाता है कितना डिग्री एंगल। तो इसका हम वीडियो अभी बनाएंगे, और जब इसका ठीक हो जाएगा तो उसके बाद इसका एक और वीडियो बनाया जाएगा, ठीक ना, कि कितना डिग्री से कितना डिग्री हो गया। ओके, बनाओगे तो ठीक होने के बाद। कितना डिग्री है?
क्लोज कीजिए, क्लोज इधर इसका क्लोज कीजिए, देखिए इसका 23 डिग्री 24 डिग्री इसका दिखा रहा है, ठीक ना, देख सकते हैं इसका एकदम, और क्लोज करो, इधर क्लोज करो, इसका 24 डिग्री दिखा रहा है, ठीक ना, एंगल दूर से करो, ये कौन सा हैंड है, राइट हैंड, राइट हैंड में इसका 24 डिग्री है, लेफ्ट हैंड में देखा जाए कितना डिग्री बनता है, लेफ्ट हैंड में आपका 22 डिग्री है, ठीक ना, 24 और 22, ठीक है, ठीक है, हाथ का कट रहा है, अगर आपका क्यूबिटस वल्गस नहीं है, अगर आपको चेक करना है घर में आपके पास ये मशीन नहीं है तो आप इसको सटा के देख सकते हो कि अगर 3 उंगली का गैप बनता है कि नहीं, इसके बीच में 3 उंगली का गैप अगर बनता है तो वह प्रॉब्लम होता है, नोकनी, कैरी एंगल, क्यूबिटस वल्गस, क्यूबिटस वायरस, ये सारा ट्रीटमेंट इधर होता है, ठीक है ना, अगर आपका 10 से 15 डिग्री आपका एंगल बन रहा है तो आप फुल्ली फिट है, आपको कोई डॉक्टर अनफिट नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपका 20 डिग्री भी अगर आपका एंगल बन रहा है ना तो आपको मेडिकल टर्म में अगर आपका जो ये हाइपर एक्सटेंशन जो होता है अगर वो प्रॉब्लम नहीं है तो आपको फिट कर देगा, 100% फिट कर देगा। बहुत लोग का डाउट होता है ना कि बिना अपरेटस के लिए एंगल का साइज दिए ही एंगल बनवाना चाहते हैं, तो क्या होता है कि देखिए ये देखिए सर जो है वो इसका एंगल नापे हैं, अब देखिए एंगल का नाप लिया जा रहा है, पूरा सेम जो ये एंगल का साइज है ना, जितना डिग्री एंगल है, देखिए इसका इसमें अलग एंगल है, इसमें अगर 21 डिग्री है, इसमें 25 डिग्री है, तो दोनों का अलग अलग एंगल नाप कर तैयार कर दिया, तो देखिए ये एंगल रेडी हो गया, देखिए जितना डिग्री एंगल एकदम सेम उसी साइज में रेडी होगा, अब यहाँ से तैयार होगा आपका एंगल बनना, तभी करेक्ट एंगल बन पाएगा, जैसा कि डॉक्टर साहब ने इनका नाप के निकाला है, देखिए इसका हाथ का साइज दोनों साइज अलग अलग है, तो अगर आपको भी अगर अपरेटस बनाना है तो आपको हाथ का साइज अगर आप देते हैं तो आपका एंगल परफेक्ट एकदम सटीक बनेगा, ठीक है। कहाँ से आया भाई बता दो, वेस्ट बंगाल डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बंगाल। क्या क्या प्रॉब्लम आए हैं, कैरी एंगल प्रॉब्लम, देखो भाई वेस्ट बंगाल से आया है, इसका कैरी एंगल का प्रॉब्लम था, ठीक ना, इसका एंगल काफ़ी, इधर देखो इस हाथ में देख लो, इस हाथ में काफ़ी ज़्यादा एंगल आपको दिख रहा होगा, ये बाहर निकला हुआ है, डिफेंस में ये अनफिट कर दिया था, तो अभी इसे बेल्ट बनाया गया है, इसके माध्यम से प्रेशर बना के इधर से प्रेशर बना के एक अपरेटस तैयार किया गया, इसका हाथ का साइज लेके आपको फुल वीडियो में नज़र आ रहा होगा कैसे इसका साइज लिया गया, और यह बेल्ट बन चुका है, अब देखिए इस हाथ, ये हाथ थोड़ा देखिए एकदम थोड़ा स्ट्रेट दिखने लगा, और धीरे धीरे करके ये अंदर की तरफ घुसेगा, जैसे जैसे अंदर की तरफ जाएगा इसका एंगल कम होगा, और धीरे धीरे ये अभी भी 25 डिग्री है, 25 डिग्री से धीरे धीरे 20 डिग्री आएगा, 20 से 80, 80 से 70, ऐसे करके धीरे धीरे जितना ये कहनेगा कम से कम 45 दिन इसको लगता है 5 से 6 डिग्री कम होने में, ठीक है, तो 45 दिन में 5 से 6 डिग्री कम हो जाएगा, और इसका मेडिकल रनिंग कब से है, 1 महीने में इसका रनिंग है, तो अगर रनिंग में अगर ये फिट हो जाता तो फिर उसको 1 महीने का टाइम मिल जाएगा, तो इसका आराम से फिट हो सकता है, ठीक ना, तो ये है दोनों हाथ का ये बेल्ट बनाया है, दोनों हाथ का हम बेल्ट पर तैयार करके दिखा देंगे कैसा लग रहा है, ठीक ना, एकमात्र आपका साधन कैरी एंगल ठीक करने का यही है, सर्जरी नहीं करा सकते हो क्यों, सर्जरी अगर चीज फाड़ होगा तो आप ऑटोमेटिक ऐसे फट जाओगे बिना जांच किए, इसको ठीक करने का एक यही जरिया है, इसको एपरेटस स्प्लेंट बोलते हैं, वल्गस डिफॉर्मिटी करेक्टिव स्प्लेंट बस आना, इसमें क्या करते हैं हम लोग, यहाँ यू टाइप का बनाते हैं, इधर बहुत सारा देखेंगे डेथ स्पेस खाली जगह है, ये है ना, कितना खाली जगह इतना है ना, ये क्यों दिया गया है पता है, इधर से जो प्रेशर देंगे ना अंदर की तरफ से वो बाहर की तरफ पुश करेगा, ये कैसे पहनाने का भी तरीका ये ऐसे है, इधर थोड़ा सा पुल किए, ऐसे किए, ये दाग गया ना,
आगे ना चाहिए पेन, ये 25 से 15 आ गया। उसी तरह ये भी ये लोग कैरी एंगल का प्रॉब्लम है, अगर आपको भी सॉल्यूशन चाहिए तो अप्रेटस आपको बनाना, अगर आप अप्रेटस बनाते हो तो आपका भी अगर डिफेंस सेक्टर में जाने का आपका शौक है तो वो पूरा हो, क्योंकि वो भाई का देख सकते हैं कैरी एंगल है तो अप्रेटस अच्छा बना लेगा और वो फिट भी हो जाएगा। कुछ दिन बाद हम उसका ये तीनों भाई का वीडियो बनाएंगे जिसके माध्यम से दिखाएंगे कि इसका कितना एंगल चढ़ता था, सबका मैंने मेजर कर लिया है, मेजर करके आपको वीडियो में देखे होंगे। अब जब ये ठीक हो जाएगा तब मैं एक वीडियो बनाऊंगा। कितना नंबर प्लस है भाई वीडियो में? कितना नंबर प्लस है? 128 है और फिजिकल से 33 नंबर ज़्यादा है। कौन से स्टेट हो? तुम कौन से स्टेट हो भाई? तुम कौन से स्टेट हो? तो यूपी हो चाहे एमपी हो, उत्तर प्रदेश, झारखंड, सारे जगह से आ रहे हैं। अगर आपको भी आना है और अपरेटर बनाना है तो आप आ सकते हो हमारे पास। जय जय भारत। तो दोस्तों वीडियो में आप देखिए कि वहाँ पर हर एक आदमी का अलग अलग हैंड का अलग अलग बेल्ट बनता है, मतलब इनका अगर 23 डिग्री 24 डिग्री है तो इनका स्पेशल अलग बेल्ट बनेगा। ऐसा नहीं कि एक ही बेल्ट हर एक आदमी का होता है, क्योंकि हाथ के अनुसार बनता है, हर एक का हाथ का वहाँ पर स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, उसके अनुसार बेल्ट बनता है। तो अगर आप भी बेल्ट बनवाना चाहते हो तो उस पर जो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ था उससे आप कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे आप जाकर के वहाँ पर राय ले सकते हैं कि कितना खर्च पड़ेगा, क्या खर्च पड़ेगा, क्योंकि सारा कुछ उस नंबर पर बता दिया जाएगा। तो आप उससे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं जिनका भी करियर में प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए दोस्तों थोड़ा सा खर्चा के लिए दो चार के चक्कर में अगर आप सोचते हैं कि हम नहीं ये वाला ट्रीटमेंट करवाएंगे, नहीं हम बेल्ट बनवाएंगे, तो आपका जॉब नहीं लग पाएगा, आपका नौकरी नहीं लग पाएगा, आपका सपना पूरा नहीं हो पाएगा। और आप अगर थोड़ा सा पैसा खर्च करके अपना बेल्ट बना करके अपना हाथ सही करवा लेते हैं, अगर अपना कैरी एंगल सही करवा लेते हैं तो आपका समझिए कि सपना पूरा हो जाएगा, सपना आपका साकार हो जाएगा। तो आप जाइए उस नंबर पर कंसल्ट करिए और जाकर अपना अपना हाथ का प्रॉपर जाकर वहाँ पास बेल्ट बनवा सकते हैं और दिए हुए नंबर पर संपर्क करिए। अगर आपका नौकरी में प्रॉब्लम है तो नौकरी का भी बेल्ट वहाँ पास बनता है, जो नौकरी होता है इसमें भी अगर प्रॉब्लम है तो उसका भी वहाँ पास बेल्ट बनता है। तो उस नंबर पर संपर्क करिए और जाकर वहाँ से कंसल्ट करिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।